हाय दोस्तों, कैसे हैं? आज 2 मार्च है 2019, और गोल्ड और क्रूड पे वापस अपडेट लेके आया था। जैसा कि कल आपको मैंने वीडियो में बताया था कि गोल्ड वीक दिख रहा है, क्रूड थोड़ा सा अप जाने की संभावना है। तो गोल्ड देखेंगे कल के डेट में अच्छा खासा आपको तोड़ा है, और जो ये ट्रेंड लाइन था इस ट्रेंड लाइन को तोड़ते हुए नीचे की ओर गया है। और जब ये तोड़ा था ट्रेंड लाइन 33,000 का, तभी ये फिक्स हो गया था कि एक बार ये 32,000 की ओर जाता हुआ दिखेगा। और कल आप देखेंगे तो इसने लो जो बनाया है 31,915 का लो बना दिया है एक टाइम, और फिर वापस रिकवरी ले लिया था तो लास्ट मोमेंट पे। तो इससे अब जो दिख रहा है कि यहाँ पे एक वीकनेस तो है गोल्ड में, और गोल्ड जो अब ट्राई कर सकता है, अभी भी वीकनेस है, हो सकता है इसको सपोर्ट कहाँ पे है, तो इसको एक अच्छा खासा सपोर्ट 30,165 पे है, जहाँ पे ये 50 दिन का डेमा इसको क्रॉस करते हुए दिख रहा है आपको। यहाँ से जब ये क्रॉस किया था, जब ये अपसाइड लिया था, अब डाउन साइड जब ले रहा है तो यहाँ पे तो सपोर्ट है ही उसको। दूसरा एक सपोर्ट अगर आप देखेंगे तो जब जो आपका 200 दिन का मूविंग एवरेज है, और यहाँ देखिए 31,500, 31,500 के आसपास भी इसको सपोर्ट है। तो हो सकता है गोल्ड आपको 32,000 और फिर 31,500 पे जाते हुए आपको दिखे। कल की जो क्लोजिंग हुई है वीकनेस के बाद, ओपन हुआ था 32,857, लो बनाया था 31,915 का, और क्लोजिंग दिया है 32,533 का। तो आप समझिए, जहां ओपन हुआ उससे थोड़ा सा ऊपर गया, और उसके बाद लो बनाया और लो के आसपास ही रिकवरी दिया है। आप जो ये देखेंगे स्पाइक बना है, ये लास्ट एकदम लास्ट मोमेंट पे बना था स्पाइक। दिन भर जो रहा वो इसी पे रहा, 32,533 के आसपास ही, 600 के आसपास ही रहा वो। तो लोएस्ट लो गया और लो के पास ही क्लोजिंग दिया है, मीन्स अभी भी वीकनेस इसमें कंटिन्यू है। तो गोल्ड में आप 31,632,000 और उसके बाद 31,600 तक का टारगेट आते हुए देख सकते हैं। गोल्ड को 30,200 पे बहुत ही अच्छा सपोर्ट है, क्योंकि ये यहीं से अपने क्रॉस करके ऊपर की ओर गया था। तो किसी भी हालत में गोल्ड अभी 30,200 नहीं तोड़ेगा। अगर क्रूड की बात करें तो क्रूड अप डाउन दिखाता है, एक बार अप जाता है फिर डाउन जाता है, एक बार अप जाता है, एक बार डाउन जाता है, एक बार अप जाता है, यही काम कर रहा है। पर ये भी एक रेंज में फंसा हुआ दिख रहा है। तो नीचे की ओर ये क्या जाता है, नीचे की ओर 39,82 पे जाता है और फिर ऊपर की ओर चला जाता है। ये तो ऊपर नीचे कर रहा है दोनों तरफ से, किसी रेंज में भी निकल नहीं रहा है। इसको 3875 पे भी अच्छा सपोर्ट है, जो कि इसका फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी देखे तो उसी के आसपास, 3643 के आसपास है, और ऊपर साइड में 4026 है। तो अगर ये किसी भी साइड निकलता है, चांसेस जो है अभी वैसे ही मूव कर रहा है, दोनों तरफ अप डाउन करके कर रहा है, तो अगर ये किसी भी तरह निकलेगा तो आपको 150 पॉइंट तक का आपको दे सकता है। तो आप ये एक रेंज बाउंड में क्रूड काम कर रहा है, और अप डाउन एक ही रेंज में कर रहा है। ये रेंज है 3643 से 4026, लेकिन 3643 आ नहीं रहा है, क्योंकि 3643 पे बहुत थ्री इसको अच्छा खासा सपोर्ट है। आप देखेंगे तो यहाँ से हर बार ये ऊपर लेके जा रहा है, तो 3644243 के पास बहुत ही अच्छा सपोर्ट है इसको। इसी रेंज में आप देखिए, यहाँ से आप इसको थोड़ा ऊपर भी ले लें तो 4026, ये रेंज के बीच में आप देखेंगे 4026 इसी रेंज में वो थोड़ा सा काम कर रहा है, थोड़ा ऊपर ले लेता है। ये 2 बार इसने इस रेंज को बुल लिया है। अब यहाँ पे रखें तो ये आता है 4131। तो जिस और भी ये निकलेगा और तो अच्छा खासा आपको मिलेगा, 150 से 200 पॉइंट का ऊपर देगा आपको। ऊपर 4336 है और नीचे वापस 3400 3500 तक का लेवल है। अभी जो है, अभी जो समझ में आ रहा है कि अभी ये इसको 3875 पे, जो कि 200 डेमा है, पहले ये तोड़ा नहीं है ये, तो पहले इस पे एक सपोर्ट हमको देखने को मिल सकता है। अगर मैं डेली बेसिस पे भी इसको देखने की कोशिश करूं, सारी चीज रिमूव करके एक बार इसको, डेली बेसिस पे भी देखो देखने की कोशिश करो, तो इसके पहले जो इसने क्रॉस किया था, क्रॉस ओवर किया था, वो 3148 से किया था डेली बेसिस पे। तो 3148 एक सपोर्ट है ही, 3643 लॉन्ग टर्म के लिए, 3148 शॉर्ट टर्म के लिए, 3643 और S2 और S1 जो सपोर्ट है वो 3879। अगर 3879 को तोड़ता है तो हो सकता है कि वापस ये आपको यहाँ पे लोअर 36, पहला तो ये 3750 के आसपास जाएगा और वहाँ से 3650 के और आसपास जाएगा।
और अगर ये अपर साइड तोड़ता है तो आपको यहाँ से अगर तोड़ता है, अगर ये पहला से तोड़ेगा 4136 तोड़ता है तो आपको 4336 तक जाते हुए दिखेगा। एक रेंज बाउंड में ये घूम रहा है, घूमने दीजिए। और क्रूड में अप डाउन चलता रहेगा। अभी ऐसा कोई भी पैटर्न देखने को नहीं आया है जिसे एक कंक्लूजन निकाले कि आप ये नीचे की ओर जा रहा है, तो एक थोड़ा सा इसमें यही एक कंसर्न है। और RSI जो है 53% है, तो RSI में भी बहुत ज़्यादा नहीं है कुछ ऐसा देखने को। और अगर मैं इसके वॉल्यूम की बात करूँ, अगर एक बार इसके वॉल्यूम को दिखाऊँ तो आप देखेंगे कि वॉल्यूम में भी वैसा ही हो रहा है। एक बार अब देखिए, ये जो वॉल्यूम हुआ है इसमें से प्राइस थोड़ा सा मूवमेंट हुआ है, तो इसमें कोई वॉल्यूम डिलीवरी का नहीं है, बाई का ही है। यहाँ पर वॉल्यूम के साथ प्राइस छूटा है, यहाँ पे जो देखेंगे आपको दिख रहा है लेकिन प्राइस बढ़ा नहीं है। वॉल्यूम हुआ, डिलीवरी नहीं हुई है। यहाँ पे वॉल्यूम हुआ लेकिन प्राइस बढ़ा है। तो एक दिन ये प्राइस के साथ होता है, एक दिन प्राइस के साथ नहीं होता है। तो कल मोस्ट प्रोबेबली वापस जो देखने को मिलेगा आगे दिन, यहाँ पे प्राइस के साथ हुआ तो विदाउट यहाँ पे बाइंग देखने को मिलेगी, वॉल्यूम नहीं रहेगा। ऐसे प्लस माइनस करते ये क्रूड दिखाएगा। तो क्रूड एक दायरे में फंसा हुआ है, जिस और निकलेगा 200-250 पॉइंट देगा। और गोल्ड में वीकनेस है, गोल्ड में आपको नीचे की ओर आपको देखने को मिल सकता है, 31600 तक का लेवल टच कर सकता है नीचे, और सपोर्ट तो है ही आपको जैसा बताया। तो आप देख सकते हैं गोल्ड और वीकनेस में। ये आगे के लिए, ये इंट्राडे पर्पस के लिए यही अपडेट था। लेकिन कोई भी मार्केट में आप डायरेक्ट पोजिशन मेरे कहने से नहीं बनाए, आप फाइनेंशियल एडवाइजर को जान के समझ के और पूछ के ही एडवाइस बनाए। ये सिर्फ मेरा ओपिनियन था। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।